हमारे साथ नवभारत के संपादक रामकृपाल सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। रामकृपाल जी, जो बातें हमने सुनी हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता है इन बातों को सुनकर, क्योंकि वाकई लोग सोचते ऐसा ही है चाहे काम कितना भी हुआ हो। सही बात है, उत्साह है, और जाहिर सी बात है कि जो लोग बोल रहे हैं और राहुल के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, उत्साह में हैं। और मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कह दिया कि 80% जो वोट पोल होंगे उसका 80% राहुल को मिलने वाला है। मुझे ये लग रहा है कि 20% वे लोग कौन होंगे जो राहुल के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। तो खैर, जैसा कि उन लोगों का कहना है और जैसा कि है, राहुल ने वहाँ काम तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात इसकी नहीं है कि राहुल कांग्रेस पार्लियामेंट में जीत करके प्रधानमंत्री यानी सरकार बनाती है, नहीं। राहुल अगर सरकार कांग्रेस की रहे या न रहे, तब भी राहुल अमेठी में काम करेंगे, काम कर लेते हैं। अब तक एक परंपरा रही जो बड़े नेता होते हैं इस तरह के, चाहे वो सत्ता में रहें या नहीं रहें, अगर उनमें विल पावर होती तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत काम कर सकते हैं, करते हैं। चूँकि राहुल ने बहुत सारा काम वहाँ किया हुआ है, तो राहुल को हरा करके दूसरे किसी को जिताएगी अमेठी की जनता, ये मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डाउट है। लेकिन मैंने 16 तारीख के पहले किसी तरह की भविष्यवाणी करना किसी के बारे में खतरनाक है, बट लेकिन जो माहौल दिख रहा है जिस तरह की है, कम से कम उत्तर प्रदेश में राहुल और सोनिया जी की सीट, तो मुझे लगता है ये तो सीट निकल ही रही है।